सुनो सुनो, मैं संविधान हूँ। क्या आप लोग संविधान के बारे में जानते हैं? नहीं, नहीं, हम नहीं जानते। कितने अफसोस की बात है, आज 70 वर्ष के बाद भी आप लोग अपने संविधान के बारे में नहीं जानते। चलिए आज मैं आपको अपने संविधान के बारे में बताता हूँ। पापा, मुझे बहुत पापा मुझे गोवा जाना है। पापा 2000। आजादी का अधिकार सबको है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। हमारे संविधान ने ये अधिकार सभी को दिया है। देखकर नहीं चल सकते? नहीं देख सकता, क्योंकि मैं तो अंधा हूँ ना। अंधे वो तो घर पर बैठे तो बाहर देखने को भी है। समानता का अधिकार सभी को है, हमारे संविधान ने यह अधिकार सभी को दिया है। हमें आपस में भेदभाव नहीं करना चाहिए। पापा मुझे कॉलेज जाना है। पापा मैंने कॉलेज जाना है। मुझे क्यों नहीं भेजा? वो लड़का दो लड़की है, लड़कियों का घर सुनवाना। शिक्षा का अधिकार सभी को है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। हमारे संविधान ने ये अधिकार सभी को दिया है। इन अधिकारों के साथ साथ हमारे संविधान के कुछ और भी अधिकार हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। भारत का ऐतिहासिक दिन 26 जनवरी 1950 जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, जिसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने बनाया था, जिसने हम भारतीयों को कुछ मौलिक अधिकार दिए थे। हम इस दिन को हर वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी आकर कहती है हर बार, संघर्षों से ही मिलता है जीने का अधिकार। हमारा संविधान जिंदाबाद, भारत माता की जय। ये देश है वीर जवानों का, लबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों, इस देश का यारों का कहना, ये देश है दुनिया का कहना। Good morning, Principal Ma'am, teachers, and my dear friends. I'm Mehak Gupta of Class 2nd, standing in front of you to deliver a speech on Republic Day. First of all, a very happy Republic Day to all. Republic Day is the national festival of India. This year, India is celebrated its 74th Republic Day. On 26th January 1950, our constitution came into effect under the chairmanship of Dr. Bhimrao Ambedkar. India became secular and democratic country on this day. The President of India hoists the national flag at Rajpath, which is followed by a colorful parade showcasing the diversity of the country and military power.
The president gave awards to the brave soldiers and people. Republic Day is a channel occasion which the children waits most eagerly. Schools and colleges also celebrate Republic Day by unfurling the national flag and singing the national anthem. Republic Day spreads the message of unity, equality and integrity. Jai Hind, Jai Bharat. मैं शाली महाजन मदर केयर की तरफ से आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। 26 जनवरी का दिन भारत इतिहास में विशेष महत्व रखता है क्योंकि इस दिन आप सब जानते हैं हम अपना राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में भारत का लिखित संविधान लागू हुआ था। धन्यवाद। सर्वप्रथम आपका हार्दिक अभिनंदन। हैप्पी रिपब्लिक डे टू वन एंड ऑल। जैसे कि आप सब जानते हैं आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। गणतंत्र दिवस यानी हमारा संविधान दिवस 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। यह हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा बनाया गया था। जैसे कि आप सब जानते हैं आज़ाद भारत के पहले लड़कियों को शिक्षा का कोई अधिकार नहीं था। आपस में लोग जातिवाद का भेदभाव करते थे। इन चीज़ों को देखते हुए बी आर अम्बेडकर ने हमारा संविधान तैयार किया था जिसमें हमें कुछ मौलिक अधिकार दिए गए थे जैसे कि लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करना, जातिवाद खत्म करना इत्यादि। जैसे कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें कुछ प्रेरणा देते हुए ये कहा है कि हमें अपना देश साफ सुथरा रखना चाहिए, हमें भ्रष्टाचार को समर्थन नहीं देना चाहिए, हमें जातिवाद को समर्थन नहीं देना चाहिए। मोदी जी की इन प्रेरणाओं के साथ हमें आने वाले गणतंत्र दिवस का इंतजार रहेगा। धन्यवाद। कुदरती जड़ी बूटियों से बने अनमोल उपहार आयु लाइन के उत्पादों को रखे हमेशा याद।